कर रहे हैं। आज दो तीन आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये सारे प्राइवेट पीएसयूज तो उन्हीं को दे रहे हैं आप। आज बैंक्स जो हैं आपके बंद हो रहे हैं, जब बैंक डूबने लगे उनको आपने अच्छे बैंकों में मर्ज करके अच्छे बैंकों को भी डुबो दिया। आज के रोज पावर इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, ये कब तक मीडिया के सहारे चलेंगे? मीडिया को पैसा कितना देते हैं एक बार ये जो चर्चा इकोनॉमिक की मीडिया में नहीं दिखेगी, मीडिया में कहीं पर इसकी चर्चा नहीं होगी, मीडिया में खाली वही चर्चा होगी जो आप चाहते हैं दिखाना। भी रखे आए हैं जो उधर से आंकड़े रखे गए हैं, वो आंकड़े कितने सही हैं कितने गलत हैं वो तो देश देख रहा है कि 3% में है कि 4% में है। झगड़ा इस बात का है कि क्या सही आंकड़ा क्या नहीं। क्वेश्चन ये है कि आज हमारी कैसी स्थिति देश की हो गई। इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात हम लोग कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन एक्चुअली है तभी तो इस पर चर्चा हो रही है। और ये जो सत्ता पक्ष है ये भी मान रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लोडाउन है, उस पर ये ब्लेम गेम खेलना कि यूपीए ने शुरुआत की उस वजह से शुरू हुआ या पूरी दुनिया में आज स्लो डाउन हो गया है इसलिए हम भी स्लो डाउन कर रहे हैं। आप अपने आंकड़े दीजिए, आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। आज आपके स्लो डाउन इस कंट्री के बारे में आज जो हम लोग देख रहे हैं कि सारे आप एक एक करके पीएसयूज को बेचने की बात कर रहे हैं, बेचने का असर क्या हो रहा है, क्यों बेच रहे हैं आप, ये तो शायद रीजन बताना ही पड़ेगा आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि आज आप इन पीएसयूज को एक के बाद एक सारे पीएसयूज जो इतनी मुश्किलों से बने थे और जो पब्लिक सेक्टर है जहां पर कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स बैकवर्ड क्लास इन सबके रिजर्वेशन होते हैं, एक फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स होता है, उसको आप आज खत्म कर रहे हैं। तो हम ये क्यों ना मान लें कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार यहाँ आई थी उसने टेक ओवर कर लिया पूरे हिंदुस्तान को, अपने बिजनेस के ही थ्रू किया था। आज दो तीन आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये सारे प्राइवेट पीएसयूज तो उन्हीं को दे रहे हैं आप, उनको ही हैंड ओवर कर रहे हैं, तो उसके बाद वो कंट्री चलाएंगे। आपके हाथ से या हमारे हाथ से तो निकल चुकी होगी, ये तो वही लोग चलाएंगे। वो चाहेंगे तो हवाई जहाज चलेगा, वो चाहेंगे तो शिपिंग कॉरपोरेशन चलेगा, वो चाहेंगे तो तेल मिलेगा, वो चाहेंगे तो एग्रीकल्चर चलेगा, वो डिसाइड करेंगे। आप नहीं डिसाइड करेंगे, ना हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ऐसी ग्रेव सिचुएशन पे आज इस देश को हम लोग लाने के लिए आज आ गए हैं, तो इसके लिए कुछ सोचना पड़े गंभीरता से। आपको सबके साथ चर्चा करके इससे निकलने का तरीका सोचना चाहिए, ना कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेच करके आज आपके पास जो कर्जा आपके ऊपर चढ़ता जा रहा है उसको अदा करने की बात करें। आज बैंक्स जो हैं आपके बंद हो रहे हैं, बैंक्स में पैसा आपके पास है, बैंक इंटरेस्ट देता है, बैंक से कोई कर्जा नहीं ले रहा है, कर्जा नहीं ले रहा है तो उनको इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, दे नॉट गेटिंग द इंटरेस्ट टू द बैंक्स स्लोली स्लोली लाइक एनपीएस। ये बैंक भी बंद हो रहे हैं, बैंक आपने जब बैंक डूबने लगे उनको आपने अच्छे बैंकों में मर्ज करके अच्छे बैंकों को भी डुबो दिया और उसका तरीका निकाल लिया डुबोने का। तो दी इशू इज व्हाई दिस अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाई दिस, आप कहते हैं कि इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रहा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडस्ट्री का ग्रोथ कहाँ से होगा जब कंज्यूमर नहीं है। इंडस्ट्री आप कह रहे हैं हमने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, आपने इंडस्ट्रीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनका टैक्स आप कम कर रहे हैं जिससे कि लोग मैन्युफैक्चर करें। मैन्युफैक्चर किसके लिए करेंगे, जब कोई कंज्यूमर होगा तब तो मैन्युफैक्चर करेंगे। आज सारी इंडस्ट्रीज वन बाय वन दे हैव गॉट क्लोज्ड, बंद होती जा रही, जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है बंद होती जा रही। पावर सेक्टर की सिचुएशन ये थी कि हमेशा हम लोग पास पावर कम होता था, प्रोडक्शन हम लोग जितना करते थे बढ़ाते आते थे, इस कंट्री बढ़ रहा बराबर बढ़ रहा था, ग्रोथ हो रही थी पावर प्रोडक्शन की, लेकिन फिर भी शॉर्ट पड़ती थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ती रहती थी, इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो रही थी, लोगों की डिमांड चल रही थी, डिमांड हो रही थी, पावर शॉर्टेज हो रही थी। आज के रोज पावर इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, पावर जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं। इसलिए बंद हो रही हैं क्योंकि पावर कोई लेने वाला नहीं, पावर लेगा कौन जब इंडस्ट्री है नहीं, तो पावर कहाँ से लेगा। तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए जो आज अनएम्प्लॉयमेंट है, जो फार्मर सेक्टर है, जब फार्मिंग सेक्टर के लोग हैं वो परेशान है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो लोग जो गरीब आदमी खासतौर से जो कि इन सब चीज़ों को जिनकी तरफ आप तो देशभक्ति या बहुत अच्छी बात, देशभक्ति होनी चाहिए। आप कहते हैं हम गिनीज वर्ल्ड में जाते हैं दिया जला करके, आप जरूर जाइए, लेकिन पैसा किसका खर्चा हो रहा है? पैसा तो हम लोगों का हो रहा है। तो आप जिस गरीब आदमी को आप दे सकते हैं उसको आप चाइना से ला के दीपक जला करके गिनीज वर्ल्ड में जाते हैं, आप यहाँ के कुम्हारों से दीपक बनवा लेते तो शायद कुछ गरीबों का भला हो जाता, उनके यहाँ कुछ दीपक जल जाता दिवाली में, अंधेरा नहीं रहता। लेकिन उसकी जगह आप चाइना से ला करके बत्ती
जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, सामान जलाते हैं, यहाँ की इंडस्ट्रीज को आप किनारे कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे ये, आपके माध्यम से इनसे ये कहना है कि अपना एक्स्ट्रा वेगेंस खत्म करें, थोड़े खर्चा कम करें, खर्चे कम करके फोकस करें। आज मूडीज ने इनकी रेटिंग इंडिया की गिरा दी है, तो इस पर ध्यान दें कि ऐसी सिचुएशन आज आ गई है, इससे ज़्यादा और वर्स आ जाएगी तो क्या होगा, ये कब तक मीडिया के सहारे चलेंगे? मीडिया को पैसा कितना देते हैं, एक बार ये भी आंकड़ा आपके सामने आना चाहिए कि मीडिया में कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट में, जस्ट एक वन मोमेंट, मीडिया में कितना एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा होता है और उनको एडवर्टाइज करने के लिए देते हैं। हर चैनल में हम लोग देखते हैं कि इस स्टेट का, उस स्टेट का या सेंटर का बड़ा अच्छा काम हो रहा है, और उसके बाद पूरे दिन फिर वो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कोई और, ये जो चर्चा इकोनॉमिक की मीडिया में नहीं दिखेगी, मीडिया में कहीं पर इसकी चर्चा नहीं होगी, मीडिया में खाली वही चर्चा होगी जो आप चाहते हैं दिखाना। तो कब तक दिखवाएंगे, कब तक लोगों को आप मन भटका के रखेंगे? जो गरीब आदमी जिसका जो भूख से मर रहा है, जो अनएम्प्लॉयड है, जो आज तरह तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, आज लूट हो रही है, डकैती हो रही है, आज एक्सट्रॉशन हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप नहीं खत्म करेंगे तो इस तरह से खाली मीडिया का इस्तेमाल करके या और तरीकों से इस्तेमाल करके लोगों का मन भटका करके, ध्यान भटका करके आप ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इस पर गंभीरता दिखना चाहिए।